जो पहले कानून थे वो अलग थे, जो आज है वो अलग है। सूरह निसा में क्लियरली लिखा गया है कि जो औरत है शी इज बोर्न विद एम्पावरमेंट। मुझे लगता है कि 1300 साल पहले जो मसला जब लड़कियों को दफनाया जाता हम भी दफनाते हैं। यहाँ जो 90s में हुआ था बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी थी जिन्होंने हमारे रिलीजन को हाईजैक करके रखा था। नाज़रीन आदाब, रूबरू का आज का शुमारा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, यूं तो कश्मीर दुनिया भर में सकाफतों भाईचारे के लिए मशहूर है, वहीं हमारे सकाफत में मुख्तलिफ किस्म के मजहब भी पाए जाते हैं। यहाँ पे हर किस्म के मजहब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए करते हैं अपने सवालातों का सिलसिला शुरू। मजहब और सकाफत की रवादारी को आज के दौर में आप कैसे देखते हैं? समाज को एक दूसरे के साथ कोई टेंशन हमने कभी नहीं देखा। मतलब हमारी जो पंडित बरादरी है हमने हमेशा उनके साथ अपने ताल्लुकात बनाए रखे। वो आज भी यहाँ आते हैं, हमारा यहाँ पास में बद्रकली माता बद्रकली फेस्टिवल होता है तो हम वहाँ जाते हैं, वहाँ उनके इंतजामात में वहाँ उनका हाथ बटाते हैं, उनसे मिलते हैं। आप मेरा मेला खीर भवानी देख लीजिए कि वहाँ हमारे कश्मीरी मुसलमान ही सारा इंतज़ाम करते हैं इन कलेब्रेशन विद द एडमिनिस्ट्रेशन। और चूंकि हमारी जो यहाँ अब यात्रा भी शुरू हो चुकी है, आप देख लीजिए कितने कश्मीरी लोग मुसलमान लोग जो एनजीओज के साथ काम करते हैं, जो जिन्होंने वॉलंटियर किया हुआ है अपने आप को, वो वहाँ हमारे यात्रियों की खिदमत में लगे हुए हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमारा समाज कोई ऐसी कसर बाकी नहीं छोड़ता जिससे उनको किसी किस्म की शिकायत का मौका मिले। बुलंद बांग दावे करने से कुछ नहीं होगा, हमें ग्राउंड पे जाके काम करना पड़ेगा। आपने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है, मैं कहती हूँ कि इसके थ्रू कम से कम एटलीस्ट एक अवेयरनेस तो आ रही है कि हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ, हमारी बहनें सामने आके समाज में सच में एक अपना पॉजिटिव रोल, और यहाँ जितनी भी पीआरआईज बैठी हैं, प्लीज फॉर गॉड सेक, इवन एटलीस्ट फॉर द आईसीडीएस डू कम फॉरवर्ड बिकॉज यू नो वी वेलकम यू। वहाँ पे औरतें ही बैठी है, अगर आपको डर लगता है कहीं ना कहीं पता नहीं मर्दों में, वैसा कुछ भी नहीं है बिकॉज यू नो द फादर इज योर प्रोटेक्टर, कुरान ने उसको बोला है यू आर अ प्रोटेक्टर, मगर मेहरबानी करके अपनी साइकोलॉजी में इसको ना बिठाएं कि वो मेरा तो मुहाफिज है, मगर साइकोलॉजी में ये ना बिठाएं कि मुझे उसी पे डिपेंड रहना है। यू हैव टू कम आउट एंड यू हैव टू प्ले योर वाइटल रोल इन द सोसाइटी। 1300 साल पहले हमारे दीन इस्लाम ने उस वक्त बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था, तो पहली बार हमारे इस्लाम में यह क्लियर हुआ है कि बेटियों को बचाओ। जब बेटियां बच गई तो उन्हीं बेटियों में से हजरत फातिमा निकल गई। उसी जब यह दौर आगे चलता गया तो इसी दौर से आते आते इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी बन गई, और आज हम खुशकिस्मत लोग यहां भी बैठे हैं एक छोटे लेवल पर। मेरी मिसेज यहां बैठी है और ये भी आज एक हल्के की सरपंच है, यही भी औरत ही है ना जो हमें सब इलाके को चलाती है ना, यही तो वुमेन एम्पावरमेंट है, इसी को वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें कहीं पे सपोर्ट नहीं करते थे वुमेन्स को ना कहीं पे भी, क्योंकि वो डरते थे, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा डरते थे। वो सोचते थे कि अगर लड़कियां कहीं पे भी चली गई या कुछ भी कर लिया उन्होंने तो मतलब कुछ लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। लेकिन आजकल के टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं अपनी मतलब बेटी को हर एक जगह पे। हम स्पोर्ट्स की बात करें, हर एक जगह पे मतलब लड़कियां आगे हैं आज स्पोर्ट्स में। किसने सोचा था कि एक व्हील चेयर पे एक लड़की बास्केटबॉल खेलेगी। चूंकि आज के इस दौर में जो है वुमेन्स एम्पावरमेंट बहुत बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि जब हम आजकल के दौर में देखते तो हम अक्सर और बेशतर यही सुनते हैं कि हमने इस्लाम जो है इस्लाम ने कम पावर दी है औरतों को, जबकि आप खुद जानते हो कि इस्लाम में कुरान पाक में जितने भी सूरतें हैं कोई एक सूरत मर्द पर नाजिल नहीं हुई है, लेकिन औरत के नाम से एक सूरत सूरतुन निसा नाजिल हुई है। गोया कि इस्लाम ने इतना दर्जा दिया है कि औरत के नाम से ही एक सूरत नाजिल की है। इससे पता चलता है हमें इस्लाम ने औरत को कितना मुकाम।
क्योंकि अगर हम देखें, इस्लाम का ही जिक्र करें, इस्लाम ने हमें बताया है कि एक ऐसे समाज में जहां हमारे साथ हिंदू हों, जहां हमारे साथ क्रिश्चियंस हों, जहां हमारे साथ ज्यूज हों, उनके साथ हम पुरअमन तरीके से कैसे रह सकते हैं। किसी भी मजहब ने आज तक ये दर्श नहीं दिया कि किसी समाज में सिर्फ एक रिलीजन को रहने का हक हासिल है। अगर आप उस वक्त का जिक्र करें जब इस्लाम जहर पजीर हो रहा था, तो उन दिनों भी हमारे जो पैगंबर साहिबान हैं, उन्होंने किस तरह से अपने जो बाकी मजहबों के लोग थे उनके साथ रवादारी कायम करके रखी हुई थी, बल्कि तलकीन ये की गई है इस्लाम में कि हम उनके तय और ज़्यादा हसास रहें, उनकी जिम्मेदारियों को समझें, उनके काम आए, ऐसा हमें बताया गया है। ये सिर्फ इस्लाम में बात नहीं है, बल्कि बाकी मजाहिब जो है उनमें भी ये बात दुटोक अल्फाज में बताई गई है कि उनको कैसे बाकी जो फिरकों से, मजहबों से ताल्लुक रखते हैं लोग, उनके तई कैसे उनके साथ अपना रवैया करना होता है। जैसे हमारे यहाँ एक दोस्त ने कहा, 1450 साल पहले अगर किसी ने वोमेन को हकूक दिए वो इस्लाम है, हमारी बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता था। बट उसी चीज को अगर फिर दूसरे साइड से देख लेंगे कि जो मुस्लिम कंट्रीज है, जैसे हमारे नेबरिंग कंट्री है, अगर वहां देखेंगे उन्होंने, अगर हम वी विल टॉक अबाउट पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं कि इट इज द रिपब्लिक ऑफ इस्लाम रिपब्लिक, मगर दूसरे साइड से देखेंगे क्या वहां की औरत को, वहां की बच्ची को वो हकूक मिलते हैं, क्या उसको वो आज़ादी मिलती है? नहीं मिल पाती है। अगर वही पंजाब प्रोविंस की ही बात करेंगे, सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में कहीं रेप्स इस साल हो गई है वो पंजाब पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में हुई है। तो इसी चीज़ को देखिए, जब हम मजहब को इस चीज़ पे मजबूर किसी चीज़ पे किसी इंसान पे थोप देते हैं तो वो टेंशन बन जाता है, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्कों में हो जाता है। अगर हम बात करेंगे कश्मीर की, अपने देश की बात करेंगे, यहाँ हमारी वोमेन इतनी एम्पावर हो गई है कि इस कश्मीर में आपको मजहब की बात ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कश्मीरियत की वजह से यहाँ पता ही नहीं चलता था मुस्लिम कौन है, हिंदू कौन है, सिख कौन है। सबसे बड़ी एम्पावरमेंट ये चीज़ है, जब तक न एक औरत या एक लड़की, जब तक न उसके जो गार्डियन से उसको इस्लामिक एजुकेशन ना दे, कुरान का मुताला ना करे, तब तक उसके पास कोई भी एजुकेशन दरकार नहीं आएगी, चाहे वो किसी भी बड़े स्कूल में ना पढ़े। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये देख रहा हूँ आज के दौर में, एक लड़की हो या एक औरत हो, ये मर्दों से ज़्यादा ही एम्पावर है, वो तो मैं मान ही लेता हूँ। वो कैसे मान लेता हूँ, मैं घर की बात कर रहा हूँ। जब भी मैं कभी कभार शाम को घर जाता हूँ, मेरी दो बहनें हैं, एक बड़ी है उसकी शादी हुई है, एक छोटी है, तो जब भी मैं अपनी माँ से बात कर लेता हूँ या अपने पापा से बात कर लेता हूँ, वो डायरेक्टली कहते हैं कि नहीं, हमारी बेटियाँ ही अच्छी हैं, क्योंकि बेटियाँ ज़्यादा ही ख्याल रखती है। लेकिन इस ये ख्याल साथ रख के इस ये जो गार्डियंस होते हैं, इनको ये इस चीज़ का भी डर रहता है, इनको इस चीज़ का भी डर रहता है कि हमारी जो बेटी है हम इसको पढ़ाना भी चाहते हैं। हमारे घरों में भी लड़कियां हैं जो पढ़ती है, हम उनको स्कूल भी भेजते हैं, लेकिन डर ये रहता है कि जब ये स्कूल जाएगी इज्जत के साथ हम इसको वहाँ पे एडमिशन कराते हैं। बट इस लड़की पे भी, इस औरत पे भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने आप को इज्जत से ही चलाए। और हाँ, सबसे जो बड़ी बात है, मैंने बोला कि पहले हमें अपने आप से स्टार्ट करना है, तब जाके इतनी आशा वर्कर मेरे साथ आई है, जब इनमें अच्छा करेक्टर है और मुझ में अच्छा करेक्टर है, तब जाके यहाँ पे आई है। दिस इज एम्पावरमेंट, ये बड़ी एम्पावरमेंट है। हमारे मजहब ने ये हमें कल्चर सिखाया है, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो इस्लाम हो। मैं मुस्लिम हूँ, मुझे प्राउड फील होता है कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम घराने से पैदा हुआ हूँ, और मेरे इस्लाम ने मुझे सिखाया है कि किस तरह से रहना है, रहन सहन सब कुछ मेरे इस्लाम ने मुझे सिखाया है, और मुझे फ़ख्र होता है। हाँ, अगर हम कल्चर को आज से मतलब 20-30 साल पहले लेंगे कि आज मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, तब नहीं थे। अगर हम मज़हब रिलेटेड कल्चर को जोड़ें तो मैं एक ही बात कहूँगा कि मज़हब से ही कल्चर निकला है। पहले के दौर में जो मतलब हम देखे 90-80 के दौर दहाई में, उस टाइम में एक्चुअली हुआ क्या था, उस वक़्त बेसिकली हमें एक चीज़ समझ नहीं आ रही, जो हम इस वक्त डिजिटली आगे जा रहे हैं, जो हमारे जो हम डिजिटली आगे गए हैं ना, उसकी वजह से जो हम ये कहेंगे 1980 में या 1990 में ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास थे नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, हमारे पास ये चीज़ नहीं थी,
गोया कि जब हमारे पास मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर वगैरह ये सिस्टम जब हमारे पास आया तो डेफिनेटली जब ये चीज़ें हमारे पास आएंगे तो चेंज तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले जो जब हमें कहीं जाना हो, फॉर एग्जांपल आज से 40-50 साल पहले जब हम हज करने के लिए जाते थे तो हमें समुद्री जहाज़ों से जाना पड़ता था, लेकिन वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट जो होती गई, जो नई इम्प्रूवमेंट जो होती गई दुनिया में, जो सफ़र जो घंटों में हम 24 घंटे में करते थे वो हम एक घंटे में करते, वो एक इसमें इम्प्रूवमेंट। मैं सरकार से ये अपील करता हूँ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें चेंज लाई जाए कि एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें क्वालिटी एजुकेशन हो कि एक औरत की क्या हैसियत है, क्योंकि यहाँ मज़हबी आज़ादी भी है हमारे मुल्क में, मुल्क हिंदुस्तान में औरत को चाहिए कि अपने दुनियाई तालीम के साथ साथ अपने दीन को पढ़े ताकि उनको हुकूक मिले। दुनियाई रंगत से तो आज बेटी चाँद पर पहुँची है, मगर जो हमारा असल में जो इस वक्त एक भाई साहब ने भी कही कि मुल्ला उंगली रखते हैं वहाँ कि औरत बाहर जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, जा सकते हैं मगर पर्दे के अंदर, अपने मज़हब के हुदूद के बाहर नहीं जा सकते। उसको चाहे कि अपने मज़हब के अंदर जो भी वो करे उसके लिए जायज़ है मगर हद से नहीं जाना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटियाँ दुनियाई तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी हासिल करें, उस पर अमल करें, इससे हमारे मसले इंशाल्लाह हल होंगे। तकरीबन हर रिलीजन में हर एक मज़हब को अपनी एक स्पेस है। अब सवाल जो किया गया कि क्या हमें अवामी मुबहसों में मज़हब को लेकर ज़्यादा बहस करनी चाहिए या नहीं, तो इसमें मेरी ये सजेशन है उन लोगों को, हमारे जैसे लोगों को जिनको मज़ाहिब के बारे में ज़्यादा इल्मियत नहीं है, जो मज़हब का कोई एक कॉन्टेक्स्ट बयान करके आगे चलते हैं, उनको चाहिए कि वो चुप ही करें, क्योंकि अंदेशा है कि अगर वो पब्लिक डिबेट शुरू करेंगे किसी मसले के ऊपर रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, तो उस वक्त रिलीजन हार्मनी जो है, कम्युनल हार्मनी जो है, वो इंडेंजर होती है। तो बेहतर है कि हम उस समय चुप करें, बल्कि मैं ये कहूं कि अगर हम उस वक्त कुछ कंट्रोवर्शियल बोलें तो उससे हमारे ही मज़हब को नुकसान होने का अंदेशा है। से अगर हम किसी मज़हब के नाम बुरा भला कहेंगे तो ये हम उसको बुरा भला नहीं कहते हैं, बल्कि हम दूसरे को इन्वाइट करते हैं कि वो हमारे मज़हब को बुरा भला कहें। इसलिए लाजिम है कि हम और जो हमारे बाकी मज़ाहिब हैं उनके तई एहतराम दिल में रखें, उससे हमारे मज़हब का एहतराम कायम रह सकता। झरने का पानी भी बंद, लैंडस्लाइड होने के लक्षण। अरे सब लोग इकट्ठे हो, क्या खबर है डाग बाबू? खबर कुछ ठीक नहीं है काका, लैंडस्लाइड होने का खतरा है। अरे किसी सुरक्षित स्थान पर चलना पड़ेगा। ऐसे कैसे घर बार छोड़ दे? अरे घर की चिंता छोड़ो, जल्दी से अपना सेफ्टी किट और जरूरी कागजात लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचो। लैंडस्लाइड हुआ था और इसके दोबारा आने के आसार हैं। आपके हित में तत्पर NDN। अच्छा, तुम्हारी जानकारी से हम दोनों की जान तो बच गई, पर ये नजारा जो होना था हो चुका, अब तुम इन मलबों पर चढ़ने मत लग जाना। क्यों? अरे नीचे कोई दबा हो सकता है, भूस्खलन के बाद तो बहुत एहतियात बरतना चाहिए। बिजली के तार खम्भों से दूर रहो, नदी कुएं का पानी पीने से बचो। जब तक आपातकालीन कर्मचारी संदेश ना दें, तब तक दरार वाली जगह से भी दूर रहना चाहिए। वाह चाचा, जानकारी तुम्हारी तगड़ी रहती है। तो तुम्हें क्या लगता है ये बाल धूप में सफेद हुए हैं? बस किसी तरह इंसान समझ जाएं, पेड़ पौधे काटना बंद कर दें, नालियों को साफ रखें, खड़ी चढ़ाई वाली जगहों पर कूड़ा करकट ना फेंकें, तो बहुत काम हो जाए। बात तो सही है, भूस्खलन जैसे हादसों को टालने की कुंजी इंसानों के हाथ में है, जरूरत है तो जानकार बनने की। समझदार रहें, सुरक्षित रहें। हम इस दुनिया की हिम्मत है, हमसे ये दुनिया जन्नत है, हम माए हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियां, हम इज्जत है। खेतों से लेके खरियानों तक, चूल्हे से मिलो मशीनों तक, जिस राह पे हमारा कदम पड़े हर कदम के नीचे अजमत है। हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ये दुनिया जन्नत है, हमसे ये दुनिया जन्नत है। सबसे पहले ये कहा जाता है कि एक बेटी अपने वालिदैन पर बोझ है, या
ये कहा जाता है कि लड़कियों को फ्रीडम ना दे, उनको बाहर ना जाने दे, ये बोल के तुम लड़की हो हंसते क्यों हो, तुम लड़की हो लड़कों से दोस्ती मत करो, तुम लड़की हो बाहर क्यों निकलती हो, तो लड़कों को ये क्यों नहीं कहा जाता है, बिकॉज ये बोला जाता है कि लड़कों को फ्रीडम दे, ऐसा क्यों है, जो लड़के कर सकता है वो एक लड़की भी कर सकता है, हमें चाहिए कि हम अपने आप को इस काबिल बनाए कि हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो जाए, ऐसा बोला जाता है कि लड़की बोझ है, तो एक लड़की को माँ बाप के लिए जन्नत का सर्टिफिकेट बनाया जाता है, क्योंकि ये नहीं कहा जाता है कि अगर एक माँ बाप जन्नत में जा दें वो उसका रीज़न होता है उसकी बेटी ना कि बेटा। देखिए अगर हम 80s और 90s की बात करेंगे कल्चर और मज़हब के हवाले से, तो मुझे लगता है एक कल्चर जो है मज़हब से कोरिलेटेड है, हमारे हमारा जो यहाँ पे एक सूफी कल्चर रहा है मज़हब के हवाले से, तो एक स्पिरिचुअलिटी एक स्पिरिचुअलिज्म पे हमने हमारा यकीन हुआ करता है और आज भी है, तो मुझे लगता है उस सूफीज़म को उस स्पिरिचुअलिटी को एक बार हमें फिर यहाँ पे प्रमोट करना चाहे, तो उससे क्या होता है वो एक कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, जो कल्चरल डाइवर्सिटीज कोरिलेट करती है हमारे मज़हब के साथ, जो असल में हम हमारा मज़हब जो यहाँ पे आया है जिसको हमारे जो यहाँ पे प्रमोट हुआ है कश्मीर के अंदर, वो हमारे जो हमारे सूफी सेंट्स यहाँ पे है सईदात जो है जो बुजुर्ग रहे हैं उन्हीं के वजह से हम मुसलमान बन गए हैं, उन्होंने यहाँ पे कल्चर को लेकर जो उन्होंने वहाँ पे यहाँ वो रहे हैं इस कश्मीर में कश्मीर के अंदर, तो उन्हीं के बदौलत हम इस वक्त इस मुसलमान हैं और मुसलमान का जो मुसलमानियत है ये फैल गई है हमारे सूफी सेंट्स के बदौलत। अगर आपको सच्चा इस्लाम देखना है आप कश्मीरियत देखिए, जहां एक नॉन मुस्लिम को भी हम अपने मजहब से ज़्यादा राइट्स देते हैं, वहीं अगर कश्मीर की बात करेंगे यहां एक कश्मीरी पंडित लड़की की शादी कश्मीर के मुसलमान कर रहे हैं, जो मॉडल बन गया इंडिया के लिए, जो दुनिया देख रही है और कश्मीर का मजहब जो है और बाकी एरिया कंट्री का देख लेंगे, यहां जब किसी भी हिंदू की डेथ होती है उसके लास्ट राइट्स जो है वो एक मुसलमान अदा कर देता है। I am very surprised to say this कि मैंने बहुत बार अभी तक हमने बहुत सारे PRIs को देखा ही नहीं है। Is that the empowerment? Yes, we cannot blame our government because they have given us it's a very welcome step by the government of India that we have been given reservations in panchayats. But where is that? That's not on the ground. So in lump sum, I can say that empowerment is a birthright of a woman. मैं यहाँ से सबसे पहले अपने माँ बाप को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहसियत बेटी, उन्होंने मुझे पेट में नहीं मारा, उन्होंने मुझे बहसियत बेटी इस धरती पे आने का मौका दिया। सो आई थैंक देम फॉर द राइट ऑफ द लाइफ, इट इज माय बर्थ। हम यही कहते हैं कि जब से ये कानून जो आए हैं, जब वुमेनस एम्पावर हुए हैं, तब से मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे बहुत कुछ हुआ है। क्यों नहीं वुमेनस यहाँ एम्पावर हुए हैं? एम्पावर जो हमारे साथ वार्ड मेंबर्स हैं वो भी वुमेन है। 33% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको रिजर्वेशन दी है, यानी हर लिहाज में आज जो हमारी औरतें हैं, माँ हैं, बहन हैं, सब हमारे साथ मिलजुल के काम करते हैं आज ग्रामीण में। इसलिए हम यही कहते हैं कि हम सब बराबर है आज। लेकिन एक बात और है कि जो वुमेनज एम्पावर है उसमें मतलब वुमेनज मीनस इसमें हिंदू भी आएगी, सिख, मुसलमान सब, लेकिन हम मुस्लिम से ताल्लुक रखते हैं, हमारा एक अलग कानून है, शरीयत है, तो इसके लिहाज से हम कहीं कहीं हमें कमजोरी भी होती है, हम शरीयत के दायरे के अंदर चलना है। लेकिन उनको जो बाकी मजहब से ताल्लुक रखते हैं वो भी मतलब अपने मजहब में थोड़ा कंट्रोल करेंगे, तो लेकिन बात ये हुई कि हम आज मिलजुल के काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे बहुत ही सी तब्दीली आई है। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर वन सीमेंट। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में
ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। मेरे घर में जो मेरी माँ है वो आंगनवाड़ी वर्कर है, 3500 पे वो काम करती है। सुबह 9 बजे वो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है और फिर ड्यूटी निकलती है। उसके बाद 6 बजे को वो फिर आती है और घर वालों के लिए खाना बाकी चीज़ जो होती है वो तैयार कर देती हैं। इससे अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों के लिए जदोजहद की उनको हकायक दिलाने में, जब लड़कियों को दफनाया जाता था, हज़रत फातिमतुल ज़हरा को लीजिए, वो एक एंटरप्रेन्योर थी। जो भी सहाबियाँ थी वो बहुत सारी जंगों में, हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद हैं कि बहुत सारी सहाबियों ने बहुत सारी जंगों में शमूलियत की है। तो जाहिर सी बात है हमारे इस्लाम ने कहीं पे भी औरत को नहीं रोका है किसी भी फील्ड में आने के लिए। तो मैं एज ए कॉन्शियस सिटीजन ऑफ दिस सोसाइटी अपील करता हूँ सभी से कि हमारी मजहबी रवादारी को कभी ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए, और जिस कस्म के आइसोलेटेड केसेस ऐसे कभी नमूदार होते हैं उनसे हमने डिस्करेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नेगेटिविटी अपने ऊपर मुसल्लत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कश्मीरी समाज नहीं है कि जो ऐसे आइसोलेटेड केसेस करता है, बल्कि ये ज़रूर कुछ एलिमेंट्स है समाज को, उन एलिमेंट्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमने उन एलिमेंट्स की ओपिनियन को कभी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें मॉडलिंग की या फिर एक्टिंग की, आजकल पेरेंट्स उस चीज़ के लिए भी मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो डर मतलब पेरेंट्स को, वो मुझे लगता है वो डर अब ख़त्म हो चुका है। हम लोग कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, इस्लाम ने कहीं नहीं रोका है कि औरत को काम नहीं करना चाहिए किसी डिपार्टमेंट में। जब हम देखते हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, क्या हमारे पास हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हदीसें नहीं आई है? गोया कि टीचिंग का काम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने किया है, किया ही नहीं बखूबी किया है। हमारे पास हदीस है हुजूर, मेरे ख्याल में कई हज़ारों की तादाद में हदीस ऐसे है जिनकी रिवायत हुजूर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा करती है। गोया कि बहुत सारी साहबियात ऐसी है जिन्होंने हमारे पास हदीसें लाई है। इस्लाम ने कहीं मना नहीं किया कि हॉस्टल में औरतें काम ना करें या किसी और डिपार्टमेंट में, एजुकेशन में हर डिपार्टमेंट है। लेकिन अब यह कि हमें क्यों इस तरह कहा जाता है, क्योंकि हमें अपने इस्लाम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से हम खुद कह रहे हैं कि नहीं, हमारी औरत को सिर्फ घर में रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। औरतों को जहालत के दौर में दफनाया जाता है। आज भी अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है, मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, उसके घर में मातम पैदा होता है। मैंने अभी तक अल्लाह से कभी नहीं ये दुआ की कि मुझे बेटा आता कर, मैं इसमें खुश हूँ। जितनी मुझे अल्लाह ताला बेटियाँ नवाज़े मैं उतने पे खुश हूँ। और वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज है ज़िंदगी का सोजे दरूँ। बेटी एक नियामत है, रहमत है, इसको पढ़ाना चाहिए, दीन भी और दुनिया भी, कोई बात नहीं है, अलबत्ता मज़हब के हदूद के अंदर। बिल्कुल इसमें ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि हमारी बेटी बेहया बन जाए, वो दीन को पाश पाश करके फिर कहाँ जाए। नहीं, हमारे मज़हब ने औरत को बहुत सारे हुकूक दिए हैं, मगर अपने मज़हब के अंदर कि वो अपने मुहरम के साथ रहे, ऐसी तालीम हासिल करें जिसमें कोई बेहयाई का नामो निशान ना हो। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, जब आप अपने बंदे से खुश होते हैं तो उसे इनाम में क्या अता करते हैं? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ। मूसा फिर सवाल करते हैं, जब आप और ज्यादा खुश होते हैं तो उसे इनाम में क्या अता करते हैं? जवाब मिलता है कि मैं उसे एक और बेटी अता करता हूँ, और उस बेटी की बेहतरीन परवरिश करने पर उस बाप को जन्नत की बशारत दी गई। सुभान अल्लाह।
तो दूसरा जो हमारे जो हमारा कश्मीरियों का एक कल्चर है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कश्मीरियत, या जिसको हम कहते हैं वो सूफियत, कश्मीरियत सूफियत, या कश्मीरियत सूफियत, एक बज़ाहिर खुद एक रिलीजन के साथ टच करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कल्चर, हमारा जो कल्चर था, ये कल्चर जो है एक रिलीजन का एक पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल है। तो हमें इनको इकट्ठे चलाना चाहिए, ताकि जो हमारा सूफियत है, ये कल्चर जो है, कल्चर डाइवर्स ब्रदरहुड है, तो इससे और फरोख मिलेगा। हम कहते हैं कि आज वही रिवायती इस्लाम चल रहा है, रिवायती इस्लाम, इस्लाम या रिवायती, मैं यहाँ की बात करूँ, कश्मीर की बात हम करें, तो जो सही है, जो सही इस्लाम है, वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। मैं औरत के लिहाज से बात करूँगी। सबसे पहली बात ये कि मस्जिद में हम नमाज पढ़ने जाते हैं, क्या औरत का हक नहीं बनता है कि वो मस्जिद को देखे, वो मस्जिद में जाए? जो अभी तक मुझे लगता है, बचपन से लेके आज तक मैंने भी शौक रखा कि मैं जा पाऊँ, मगर अनफॉर्चुनेटली जितने भी मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमारे लिए भी जगह वहाँ, थोड़ी बहुत जगह तो बना दीजिए कि हम भी थोड़ा, तभी हम बात कर सकते हैं ना। अभी देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे आके बात करनी है तो बात क्या रखेंगे, जब मैं ये कहीं ना कहीं हमें तो इसका दर्स देख सुनना है ना। जो हम सेल्फ स्टडीज करते हैं वो तो सही है, मगर मस्जिद में मुझे भी आने का हक है। हमारे यहाँ पे जो औरतें हैं, उनकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है, पहले वो अपने माँ बाप के लिए जीती हैं, फिर वो अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए जीती हैं। लेकिन मुझे लगता है औरतों को, मतलब उनको पता होना चाहिए उनका पावर क्या है, उनको मतलब बाकी जगहों पे भी जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में कितनी लड़कियां हैं, या फिर कितनी लड़कियां एक्ट्रेस हैं, या फिर कितनी इंजीनियर हैं, कितनी डॉक्टर्स हैं। तो आज का, पहले वो टाइम था जब लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि हर एक लड़की मतलब पढ़ी लिखी है, हर एक लड़की एटलीस्ट ग्रेजुएट होगी हर एक गाँव से, हर एक सिटी से, हर एक जगह से ना। और अगर हम देखें कि पहले जो औरतें थी उनकी लाइफ सिर्फ थी मतलब उनका घर, लेकिन आजकल के टाइम में हर एक जगह पे लड़कियां आगे हैं, हर एक जगह पे लड़कियां जा रही हैं, हर एक जगह पे लड़कियां बात कर रही हैं, लड़कियों को उनका हक दिया हुआ है, लड़कियों को अब पता चल रहा है कि उनका हक क्या है, और वो बोल रही हैं। देखिए मतलब मैं आपको बताती हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ने पंछी को पर दिए हुए हैं, वैसे ही लड़कियाँ हैं, लड़कियों के पास भी पर हैं, जब तक वो उड़ना चाहें तब तक वो उड़ सकती हैं, लेकिन वो लड़कियों तक ही है। मतलब अगर वो उड़ना चाहेंगी तभी वो उड़ पाएंगी, अगर वो उड़ना नहीं चाहेंगी तब वो उड़ नहीं पाएंगी। नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए हमें हमारा आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम करना होगा। हमारे प्रोग्राम को लेकर अगर आपके कोई भी सवालात हो या कोई भी राय आ रहा हो, तो आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं, जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, शब बख़ैर। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर